असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अपने परिवार के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्हें सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा, मैंने प्रभु श्री राम और बजरंगबली के दर्शन कर समस्त देशवासियों, असम राज्य और मणिपुर के नागरिकों की सलामती का आशीर्वाद मांगा और सभी की सुख समृद्धि की कामना की। वे अयोध्या में जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं, ताकि असम के लोगों को अयोध्या से जोड़ा जा सके। उन्होंने राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। जन जन के आराध्य, प्रभु श्री राम के दर्शन किया, श्री हनुमान जी के दर्शन किया और मैंने उनसे प्रार्थना करी, देशवासियों को, हमारे असम राज्य को, मणिपुर को, सभी के राज्य, हमारे वहाँ के जनता को सुख शांति और समृद्धि दे और सबको यश दे, सबको प्रकार का सुखद मिले, ऐसी प्रार्थना किया। असम के लोगों को अयोध्या से, हाँ, हमारी अभी आज मैं उसी कार्यक्रम में आया हूँ। हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य है, हमारे असम का जो अभी जवाहरलाल नृत्य अकेडमी है, आज उसी के इस राज के कार्यक्रम में आया ही था। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पर भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से पूरे राज्य के पूरे संस्कृति का एक संगम हो रहा है, उसमें असम और पूर्वोत्तर राज्य भी हमारे शेष हमारे उत्तर के राज्यों से जुट रहे हैं अपने कला संस्कृति के माध्यम से। मैं इतना कह सकता हूँ कि हर तरह आज भगवान का दर्शन आज भगवान के दर्शन करने आया हूँ और हर प्रकार के सब भगवान ने लगा था। इससे पहले भी मैं अयोध्या अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है और वो प्रभु राम का दरबार तो ऐसे भी बहुत सुंदर है। बहुत इसके लिए मैं राम मंदिर न्यास को, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के सरकार को भी बहुत बहुत बधाई करता हूँ। अद्वितीय, अद्भुत और अलौकिक राम मंदिर बना है। अयोध्या उत्तर प्रदेश, सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।